पहलवानों के धरने को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने आज धरना स्थल पर पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात की है। पीटी उषा आज अचानक से पहलवानों के धरने पर पहुंच गई। वहां उन्होंने धरना दे रहे पहलवानों के साथ बैठकर लगभग 20 मिनट तक उनसे बात की। इस दौरान महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक भी पीटी उषा से बात करती नजर आई। 20 मिनट की इस मुलाकात के बाद पीटी उषा बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल गई। उनकी पहलवानों से क्या बात हुई इसको लेकर खुद पीटी उषा ने तो कोई खुलासा नहीं किया, मगर पहलवान बजरंग पुनिया से जब हमारे रिपोर्टर नितिन श्रीवास्तव ने बात की तो बजरंग ने कहा कि हम धरना खत्म नहीं कर रहे, पीटी उषा सरकार की तरफ से कोई मैसेज लेकर हमारे बीच नहीं आई। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ है और हमने भी उनसे कहा कि हमें न्याय चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीटी उषा ने इससे पहले पहलवानों के धरने पर एतराज जताते हुए कहा था कि उनके यूं सड़कों पर बैठने से देश की छवि खराब होती है, उन्हें कोई शिकायत थी तो हमारे पास आना चाहिए था। इस बयान के बाद पीटी उषा की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद अब वो पहलवानों से मिलने खुद उनके धरने पर पहुंच गई। ये दिखाता है कि धीरे धीरे पहलवानों के धरने का दबाव सरकार पर बढ़ रहा है। हालांकि बजरंग ने स्पष्ट किया है कि पीटी उषा के जरिए उन्हें सरकार का कोई संदेश नहीं आया, लेकिन पीटी उषा का धरने की आलोचना करने से लेकर धरने पर पहुंचकर पहलवानों से बात करना ये दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आ चुकी है। पहलवानों के धरने से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा तक।